चैनल और इट विल बी बेस्ट अगर आप उनके चैनल पे जाओ. वेटिंग फॉर द सरप्राइज मुकुल दादा, लास्ट ईयर्स कलैब वाज द बेस्ट फॉर मी एवर एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द वर्जन 2.0. थैंक्स लॉट कपिल भाई साहब, आप जितना सपोर्ट रख रहे हो ना, हर वीडियो में आपका कमेंट होता है, बहुत मजा आता है और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना. लव यू अ लॉट. और इस कलैब की बात की जाए तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी ये जो कलैब है आपको देखने को मिल जाए. अब ये किसके चैनल पे होगा, हमारे पे होगा या उनके पे होगा, ये तो यार मतलब टाइम ही बताएगा. बट यार ट्राई करेंगे कि बहुत जल्दी ये जो 2.0 वाली वीडियो है ये भी आपको देखने को मिल जाए. यस जी कह रही है, हेलो मुकुल ब्रदर, हाउ आर यू एंड योर फैमिली. सब बढ़िया ब्रदर, आई होप आप भी अच्छे होंगे घर पे सब लोग. क्वेश्चन है, डू यू हैव पोको X3 प्रो विद यू? क्या लगता है आपको, होगा मेरे पास कि नहीं होगा? अब बहुत जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग तो होने वाली है और लीक्स वगैरह ऑलरेडी आपको साथ में मिलते जा रहे हैं. सो अच्छा स्मार्टफोन होगा मेरे हिसाब से. प्राइसिंग देखते हैं पोको X3 प्रो की क्या होगी. सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन आर यू कमिंग टू गुजरात? ट्राई करूंगा बहुत जल्दी आने की. बहुत सारे अलग अलग मतलब मीटअप्स वगैरह जो है ये मैं प्लान कर रहा हूँ और गुजरात इज वन ऑफ यू नो दो स्टेट्स जहां पे मैं आना चाहूंगा पक्का से. जब भी आऊंगा पक्का हम मिलेंगे. थर्ड क्वेश्चन है उनका, योर ओपिनियन ऑन रेडमी नोट 10 सीरीज सेल. रेडमी नोट 10 सीरीज को लेकर अच्छी ओपिनियन है, मैंने आपको अपनी अनबॉक्सिंग वीडियोज में भी बता दिया है, अच्छे स्मार्टफोन्स है. सेल की बात की जाए तो यार ये ऐसा लग रहा है कि यार जैसे डोरेमोन करता था ना नोबिता को गैजेट दिखा के बाद में होता था दूंगा नहीं कुछ भी. आपने अच्छे फोन लॉन्च किए हैं भाई, उसको मतलब सेल पे रखो, हम लोग लेना चाहते हैं. ऐसा मत करो यार, मतलब पहले 6GB वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया, सेल पे डाल दिया, फिर उसके बाद एक दो हफ्ते बाद 4GB. ऑफ कोर्स आई नो इट्स योर स्मार्टफोन्स, मतलब कंपनी का ब्रांड का स्मार्टफोन है, उनकी मर्जी है. बट थोड़ा सा अगर आप फीडबैक लेके चलोगे लोगों का तो यार थोड़ा और ईजी रहेगा और कनेक्ट रहेगा आपका लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ. तो मैं चाहूंगा कि यार रेडमी जल्दी से ये तीनों स्मार्टफोन्स की जो सेल है उनको एक्चुअल प्रॉपर तरीके से शुरू करें और फ्लैश सेल की जगह यार अगर ओपन सेल वगैरह होगी ना तो मेरे को लग रहा है कि यार रेडमी नोट 10 सीरीज ज्यादा लोगों को मिल पाएगी टाइम पे और ये अच्छा रहेगा इस सीरीज के लिए भी और हम लोग कस्टमर्स के लिए भी. और लास्ट में उन्होंने एक सजेशन भी दिया है, फीडबैक दिया है जिसको मैं अच्छे से यहाँ पे मतलब कंसीडर करना चाहूंगा. वो कह रहे हैं कि यार अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियोस तो होती हैं बट यार पिछले महीने जो सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए उनकी एक राउंड अप वीडियो भी बनाई जाए. सो ठीक है, अप्रैल महीने में मार्च में जितनी भी लॉन्चेस हुई ना उनकी वीडियो बनाएंगे. और अगेन एज अ लीक्स्टर आई टोल्ड यू सो वाली जो मूवमेंट होती है ना कि मैंने आपको बोला था ये लॉन्च होगा, वैसी वाली वीडियो जो है ये आपको पक्का से अप्रैल के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाएगी. आकाश वर्मा जी कह रहे हैं, हेलो मुकुल भैया, क्वेश्चन तो नहीं है, एक जोक ही सुना दो, मेरे पास पोको X3 प्रो नहीं पड़ा. दिव्य शाह जी कह रहे हैं, भैया एक क्वेश्चन है, अभी पेंडेमिक में जो भी लॉन्च इवेंट्स हुए हैं वो सब ऑनलाइन थे, सो ये सब प्री रिकॉर्डेड होता है या लाइव होता है? वांट टू नो समथिंग यू नो फ्रॉम द इनसाइडर. लव यू ब्रदर एंड लव टू सी योर पैशन एंड हार्ड वर्क. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट ब्रदर, लव यू टू. और इन सारे इवेंट्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ देम इन माई ओपिनियन आर प्री रिकॉर्डेड, बट कुछ कुछ लाइव भी होती हैं. और जहां तक मेरे को लगता है यार लाइव इवेंट्स में ना ज्यादा मजा आता है, फंबल्स होते हैं, थोड़ा लगता है कि यार आप ना एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट कर रहे हो. जैसे संडे स्टफ में ना अगर कोई फंबल वगैरह होता है तो उसको मैं जाने देता हूँ, तो आपको भी लगता होगा कि इंसान से आप बात कर रहे हो, उसकी वीडियो देख रहे हो. तो लाइव इवेंट पर्सनली मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ. बट यार पेंडेमिक के टाइम पे लेके चलोगे यार मेजोरिटी ऑफ दीज इवेंट्स इन माई ओपिनियन वर प्री रिकॉर्डेड और कहीं मेरे डिस्क्लेमर वैसे नहीं लिखा होता, सो मैं बोल रहा हूँ इन माई ओपिनियन. अब मैं खुद से कंफर्म नहीं कर सकता ना कोई लाइव थी कि प्री रिकॉर्डेड थी, बट मेरे को लगता है कि यार पहले से रिकॉर्ड करके उनको मतलब उस टाइम पे ब्रॉडकास्ट किया गया है. रोहित सानी जी कह रहे हैं, आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हो और आपकी लाइफ की सबसे फेवरेट गेम कौन सी है? सबसे पहले स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो अभी के लिए मैं आईफोन 12 को यूज कर रहा हूं अपना डेली ड्राइवर. अगेन सिक्योरिटी प्रिवेसी है और मेरे लिए मेरे को लग रहा है कि यार मतलब जितना काम मैं करना चाहता हूं ना अपने एक स्मार्टफोन से वो मेरे आईफोन 12 में हो जाता है इजिली. साइज अच्छा है स्मार्टफोन का, डिसेंट आपको ग्रिप मिलती है और अगेन मतलब ठीक है. सेकेंडरी स्मार्टफोन अभी के लिए है गाइस मेरा ओप्पो फाइंड X2 प्रो. You won't believe, but yeah, ये स्मार्टफोन 2020 का मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्मार्टफोन्स था. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं अगर खाली एक फोन के बारे में बात बोलता हूँ और उसको मतलब खुद पे इंप्लीमेंट नहीं करता, तो अभी भी इसको यूज कर रहा हूँ मैं एज माई सेकेंडरी डिवाइस. इसके अलावा कभी कभी Huawei P30 Pro को भी यूज कर लेता हूँ और अभी के लिए कुछ ऐसे अनलॉन्च्ड स्मार्टफोन्स भी हैं जो भी यूज हो रहे हैं मेरे सेकेंडरी सिम कार्ड के साथ, उनके बारे में आपको अगले हफ्ते शायद पता चल जाएगा. और मेरी फेवरेट गेम की बात करेंगे तो यार सबसे पहली बात ये है कि ये दो बारी चेंज हुई है.
बचपन में इट यूज्ड टू बी मॉर्टल कॉम्बैट। मैं देहरादून रहता था और वहां पे वो आर्केड वाले होते ना जो पैनल वाली गेम, वहां पे मॉर्टल कॉम्बैट 1, 2, 3 अल्टीमेट एडिशन ये जितने थे वो मैंने खेले। और उसके बाद पीएस का जब जमाना आया तो स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन यूज्ड टू बी माय फेवरेट, बट अभी के लिए फिर से स्विच हो गया। मॉर्टल कॉम्बैट जो है फ्रेंचाइजी वो फिर से मेरी फेवरेट गेम सीरीज है, और MK11 अभी भी जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपने एक्सबॉक्स पे और पीएस वगैरह पे खेलता रहता हूँ। आकाश जी पूछ रहे हैं, हेलो मुकुल भैया कैसे हो आप? मैं बढ़िया आकाश जी, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक। वो पूछ रहे हैं कि यार मेरा क्वेश्चन है कि मी 11 प्रो और मी 11 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च होंगे क्या? अगर होंगे तो कब? अब कब का जवाब तो यार मैं नहीं दे सकता, मेरा काम है आपको बताना कि यार ये स्मार्टफोन्स आएंगे कि नहीं आएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स जो है इंडिया में आने वाले हैं ऐसा मेरे को पता चला है, और टेक्स्ट में इसके बारे में आपको अपडेट वगैरह मैं करता रहता हूं। बट स्टिल जब भी मेरे को इनकी लॉन्च डेट के बारे में पता चला तो 8 × 3, 1, 2, 3 जो होता है ना वो सारी चीजें करके आपको मैं बता दूंगा। अभी के लिए इनकी लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं है, बिकॉज ब्रांड की तरफ से एक प्लानिंग अभी नहीं हुई प्रॉपरली, बट जल्दी ही आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। प्रणय कुमार जी कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर 2K हार्ट्स, जस्ट सम इम्पॉर्टेंट स्टफ दैट यू ऑल शुड नो। प्रणय कुमार जी जो हैं इनको मैंने अभी तक अपने चैनल पे 2000 से ऊपर हार्ट्स दे दिए, तो ये आप लोग भी कमेंट्स वगैरह करते हो, मैं ट्राई करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ट्स देने की। आप भी ये जो अचीवमेंट्स हैं छोटी सी अचीवमेंट्स हैं बट लाइफ में ऐसी चीजें मैटर करती हैं, और प्रणय कुमार जी के 2000 लाइक्स यहाँ पे हार्ट्स जो है ये पूरे हो गए हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछे, एवर यूज अ फोन एज अ क्रिकेट बैट, येस और नो? नो, नेवर, नो। भोजपुरी में कुछ बताएं अपने और स्टाइलिस्टिक्स के बारे में। ब्रदर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, मेरे को भोजपुरी ना इतनी अच्छे से बोलने नहीं आती, तो मैं ऐसे कुछ भी बोल दूं तो यार कोई ऑफेंड हो जाए, इसलिए मैं वो नहीं करूंगा। कैसन बा वगैरह जो है मैं ऐसे बीच में बोलता रहता हूं, बट यार ये एक ऐसी मतलब भाषा कह लो भोजपुरी, और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो मैं सीखना चाहूंगा, और जितने लोगों को आती हैं ये लैंग्वेजेस यार आप मेरे को मतलब सिखा सकते हो, बहुत मजा आता है नई लैंग्वेजेस सीखने में। मेरे को डोगरी आती है, पंजाबी आती है, बंगाली थोड़ी बहुत आती है, मराठी थोड़ी बहुत आती है, तो आई कीप ऑन ट्राइंग टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। तो भोजपुरी भी जब आएगी पक्का से आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा। शादी में स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी का ड्रेस कोड क्या होगा? देख लो आप लोग बताओ, मेरे को यार कपड़ों का इतना कोई रहता नहीं है, मतलब मैं एक टी शर्ट पहन के कई बार आपने नोटिस किया होगा 4-4 वीडियो बनाता हूँ, मेरे लिए टेक मैटर करता है ज्यादा लाइफ में, तो ठीक है आप लोग बताओ क्या होना चाहिए। बट या ड्रेस कोड के चक्कर में कई लोग बोल देंगे कि नहीं मेरे पास तो रेड कलर की टी शर्ट नहीं है तो मैं आऊंगा नहीं या आऊंगी नहीं, इसके चलते मतलब यार ड्रेस कोड का पंगा क्यों लेना, सीधा आप बस आओ आओ खाना पीना खाएंगे आराम से, मजे करेंगे, फलते फूलते रहेंगे और बहुत सारी वीडियोज वगैरह साथ में शूट करेंगे। अदरान जी कह रहे हैं, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट रियलमी? रियलमी इज डूइंग गुड इन माय ओपिनियन, रियलमी ने अच्छा किया है परफॉर्म अभी तक, मतलब एवर सिंस इट्स इंसेप्शन, ज्यादा टाइम नहीं हुआ रियलमी को मार्केट में आए हुए और अच्छे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं, और मैं चाहूंगा रियलमी इंप्रूव करता जाए आगे। अभी के लिए अगेन आई एम नॉट रिव्यूइंग रियलमी प्रोडक्ट्स बिकॉज रियलमी डजंट सेंड मी प्रोडक्ट्स, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम एक्नोलेजिंग द फैक्ट दैट अगर कोई ब्रांड अच्छा काम कर रहा है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि यार अगर मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा, अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं कर रहा, डिवाइसेस नहीं आ रहे तो मैं उनके बारे में हमेशा गलत बोलूं, ये मेरा नेचर है नहीं है। तो मेरे को जहां तक लगता है यार रियलमी मतलब अच्छा काम कर रहा है, अप्रिशिएबल काम कर रहा है, और मैंने कई बार पास में ये भी बोला कि यार मेरे को अगर रियलमी रेडमी से कंपेयर करना हो माइनस दिस रेडमी नोट 10 सीरीज, मेरे को लग रहा है कि यार पिछले कुछ टाइम से रियलमी ने बेटर काम किया, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। शुभ जी कह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या अप्रैल में पोको F3/Poco F2 इंडिया में आ जाएगा? मुश्किल है, अभी 30 को तो लॉन्च होने वाला है पोको X3 प्रो, तो यार अभी इसको वो हाइप करेंगे, सेल वगैरह करेंगे, तो पोको का ये जो F सीरीज का स्मार्टफोन है इसको मेरे को लग रहा है अभी आने में टाइम लगने वाला है। ICSE गुलर्स कह रहे हैं, शुड आई बाय OnePlus बैंड और गो विद Redmi बैंड, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। Redmi बैंड आई एज्यूम आप कह रहे हो Mi बैंड 5, इन दोनों में से अगर Mi बैंड 5 कह रहे हो तो Mi बैंड 5, Redmi बैंड नहीं फिर OnePlus बैंड, या फिर मेरी अपनी अगर आप पर्सनल सजेशन मानो तो यार ये Oppo का जो बैंड है ना ये मेरे को अच्छा लगा। आप देख रहे होगे मतलब मैं पहन के रखता हूँ इसको, बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस है मेरे पास बट ये मेरे को बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, लाइट वेट लग रहा है, और इसमें आपको डब्बे में दो ये जो स्ट्रैप है ये देखने को मिलते हैं। वीडियो नहीं देखी ऊपर कार्ड में लिंक लगा दूंगा, जाके आप देख लेना। मेरे को पर्टिकुलरली इस रेंज में ओप्पो बैंड जो है ये बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत सारे ऐसे ना फिटनेस जो भी गैजेट्स होते हैं इनको यूज करता हूँ, तो अगर मैं आपको किसी के बारे में रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तो यार ट्रस्ट मी वो चीज अच्छी होगी होगी। मनोज देसाई जी कह रहे हैं, हैप्पी संडे मुकुल अन्ना, हैप्पी संडे टू यू टू ब्रदर। आगे उन्होंने कैमरा रिलेटेड रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है 48 मेगापिक्सल कैमरा विद OIS वर्सेस 108 मेगापिक्सल विदाउट OIS। मेरे को पर्टिकुलरली OIS से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं गिम्बल कैमरा वाले स्मार्टफोन भी यूज कर चुका हूँ, और मेरे को ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा मैटर करती है, जूम कैसा है, मतलब शॉर्ट्स कैसी आ रही है, नाइट शॉर्ट्स कैसी है। अब ये स्मार्टफोन मैं यूज कर रहा हूँ, वन ऑफ द
रीजंस इज यू नो इट्स कैमरा, बहुत तगड़ा कैमरा है स्मार्टफोन का, 2020 का स्मार्टफोन है, 108 वगैरह की गेम नहीं है यहाँ पे। P30 Pro मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मतलब कोई 108 मेगापिक्सल्स का नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी उसमें मतलब फोटोग्राफी होती है। तो मेरे लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, ऑप्टिमाइजेशन मैटर करती है, बट स्टिल चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस रैपिड फायर आई वुड गो विद 48 मेगापिक्सल्स विद OIS। लाइका वर्सेज हैसलब्लैड वर्सेज ज़ाइस, कार्ल ज़ाइस मतलब ऐसे ही मेरी अपनी पर्सनल वो बात कर लो, कार्ल ज़ाइस के लेंस मतलब यूज़ किए हुए पास में भी, तो आई विल गो विद ज़ाइस। अल्ट्रा वाइड लेंस इन फ्रंट कैमरा वर्सेस टेलीफोटो लेंस इन रियर, टेलीफोटो इन रियर, सोनी IMX 766 वर्सेस सैमसंग HM3। अब अगेन दोनों मतलब सेंसर्स की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि यार रियल लाइफ में ना जब हम यूज़ करने पे आते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी होती है ना कोई फोटो, तो ये सारे जो सेंसर हैं आज के मेरे को लगता है अच्छे खासे कैपेबल हैं। बट स्टिल चलो ठीक है, अगर आपने इस चीज़ से खुश होना है तो सोनी IMX 766। ये जो नंबर्स है ना ये मेरे को पर्टिकुलरली इतना मैटर नहीं करते, और आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स को ये नंबर्स जो हैं ये इतने मैटर नहीं करते, उनको रियल वर्ल्ड जो यूजेज है वो मैटर करती, नहीं तो ऐसे तो N22 पे भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स ने पता नहीं 700K से ऊपर का स्कोर रजिस्टर किया ना। आशीष जी कह रहे हैं हाउज योर हेल्थ ब्रदर, ठीक है बेटर हो रही है ब्रदर, धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। इज द LCD स्क्रीन ऑफ iPhone सो गुड दैट वी डोंट मिस AMOLED पैनल्स? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्क्रीन क्वालिटी अच्छी होती है आईफोन्स की, और क्या बोलते हैं जो इन्होंने कलर करेक्शन कर रखा है, व्यूइंग एंगल्स हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि हमें लगता नहीं है कि यार ये IPS LCD पैनल है। और हमेशा यार हम IPS LCD स्क्रीन्स को इंफीरियर क्यों लेके चलते हैं, ठीक है वो एक स्क्रीन टाइप है, इट्स नॉट एज पंची एज वाइब्रेंट एज AMOLED पैनल्स, इतनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती, बट ऐसा नहीं है कि यार IPS LCD पैनल हमेशा खराब होती है ना, हमारे दिमाग में फिर से ये चीज़ आ गई है AMOLED ही होना चाहिए, तो उसके चलते कई बार ना हम थोड़ा सा IPS LCD बेचारे को बोलते हैं तो घटिया है। ठीक है आईफोन की मतलब अच्छी होती है, बट मैं पर्टिकुलरली AMOLED पैनल्स का फैन हूँ, तो मेरे को तो यार हमेशा लगता है कि यार स्मार्टफोन में AMOLED हो तो मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट या अगेन दैट डजंट मीन कि IPS LCD पैनल जो होते हैं वो इंफीरियर होते हैं ज़्यादा। मतलब सोमदीप जी कह रहे हैं क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे हैं गगन, क्यों मचलता है मन। ये तो ना तुम जानो ना हम। सुतांशु खन्ना जी कह रहे हैं हेलो मुकुल सर, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन। मैं बढ़िया ब्रदर, आप ठीक हो? वो कह रहे हैं आई वांटेड टू आस्क यू दैट आई वांट अ गिफ्ट टू गिफ्ट अ स्मार्टफोन टू माई डैड, बट आई कांट बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एंड इफ आई आस्क हिम ही सेज अदर थिंग्स आर मोर प्रायोरिटी ऑफ मोर प्रायोरिटी देन बाइंग अ फोन फॉर हिमसेल्फ, बट आई वॉन्ट टू गिफ्ट हिम एंड आई एम सेविंग सम मनी, बट इफ ही नू ही वॉन्ट टेक इट, सो वॉट शुड आई डू, प्लीज टेल और सजेस्ट मी समथिंग एंड वेन आर यू कमिंग टू सूरत, प्लीज रिप्लाई। सूरत की बात करें अगर हम तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी विजिट करने की। अब यार अगर आप ब्रदर अपने पापा को अपने डैड को गिफ्ट करना चाहते हो एक फोन, उनको चाहिए नहीं तो क्यों जबरदस्ती मतलब दे रहे हो, रहने दो यार, या तो पैसे बचा के अपने लिए फोन ले लो, या फिर इफ यू वांट टू गिव योर डैड समथिंग ही इज वेरी राइट इन दिस थिंग, यू नो ही प्रोबेबली डजंट प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजी, उनको शायद मतलब स्मार्टफोन से इतना मतलब नहीं होगा, उनको कोई ऐसी चीज लेके दे दो जो उनको ज्यादा मैटर करेगी, प्रॉबेबली यू नो 5-10 हज़ार रुपये अच्छी सी एक वॉच लेके दे दो, कुछ ग्लासेस लेके दे दो, क्लोथ्स लेके दे दो, उनको एक डिनर भी ले जाओ, ठीक है ना। You never know, you know, you take your dad, your parents out, you know, on a dinner, उनको इससे बहुत खुशी हो जाती है। मेरे पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे पक्का से, और उनको पता है इस चीज़ का, वो मतलब मेरे आगे पीछे इतने स्मार्टफोन्स पड़े होते हैं, वो कभी भी मेरे स्मार्टफोन्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, दे आर इंटरेस्टेड कि मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं, जो मैं कर नहीं पाता बाय द वे। सो यस, अगर आपके डैड की वो प्रायोरिटी नहीं है तो ज़बरदस्ती अगर आप दोगे, वो आपके मुंह पे बोलेंगे यार वाह यार बेटा मजा आ गया तूने मेरे को फोन दिया, बट दिल से अगर वो अप्रिशिएट भी नहीं कर पाए तो यार आपके मतलब सेविंग भी वेस्ट गई, उनको भी कोई खुशी नहीं हुई, उससे अच्छा कोई अल्टरनेटिव गिफ्ट जो है वो आप यू नो ढूंढने की ट्राई करो। एंड एक बेटे से ज़्यादा बढ़िया कोई एक यूट्यूबर नहीं बता सकता कि यार उनका जो मतलब उनके फादर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको खुद से पता होगा, आप उनके लिए कोई ऑल्टरनेट जो गिफ्ट है वो आप डिसाइड वगैरह कर सकते हैं। खान साहब पूछ रहे हैं मुझे Redmi Note 10 Pro का 6GB 128GB वेरिएंट 16K में मिल रहा है तो लूं या वेट फॉर एनी अदर फोन, ये डिवाइस अच्छा है। वेट करने की बात कीजिए तो वो तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, मेरी ऑडियंस को बोलूंगा कि अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट करो, हमेशा आगे नई टेक आ रही है, नई बेटर चीज़ें भी आने वाली हैं, तो वेट करोगे तो करते रह जाओगे। अभी Realme 8 सीरीज आ रही है, इसके बाद 9 सीरीज आ जाएगी, Redmi Note 11 सीरीज आ जाएगी, बट या ये स्मार्टफोन अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। योर फेवरेट मेमोरी ऑफ योर कॉलेज टाइम, माई कॉलेज टाइम वॉज
वेरी गुड. अगेन यू नो सम ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स माई ब्रोज स्टिल यू नो वॉच माई वीडियोज. स्टिल क्या मतलब दे वॉच माई वीडियोज. तो अगर आज भी देख रहे हो तो उनको मतलब मैं फिर से बोलना चाहूंगा आई मिस यू गाइस अ लॉट. और या द बेस्ट मेमोरी ऑफ माई कॉलेज टाइम वॉज no I don't want to you know disgrace any other memory by calling one memory my favorite. So my college life was awesome. Trust me, meri student college life aur meri professor wali college life ek hi college university mein LPU mein maine padha bhi hai aur padhaya bhi hai aur that was probably one of the best you know periods in my time. So koi ek favorite memory nahi hai. प्रियांशु जी कह रही हैं डियर सर अब तो क्वेश्चन पिक कर लो, ट्विटर में रिप्लाई क्यों नहीं देते हो. कहाँ क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से, डीएम किया ब्रदर अगर आपने तो मैंने 100% श्योर रिप्लाई किया होगा. अगर आपने कमेंट किया ना कोई तो ब्रदर अंडरस्टैंड माय पॉइंट. कई बारी हो जाता है, मिस हो जाता है. ऐसा नहीं कि मैं जान पूछ के कभी किसी का रिप्लाई नहीं करूंगा. मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि यार मैं रिप्लाई करने से पहले सोचूं. तो रिप्लाई हमेशा आती आती है. बट अगर कभी गलती से कोई मतलब मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, दैट डजंट मीन आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिप्लाई टू योर यू नो क्वेश्चन. गलती होगी होगी, मिस हो गया. उसके लिए सीरियसली मैं दिल से जेनुइनली आपसे सॉरी कह रहा हूं. एक बार फिर से मेरे को टैग करना, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. मिलन जी कह रहे हैं आप अपने मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो सके तो एक वीडियो बना लो, वीडियो बना के भी आप बता सकते हो. ऐप्स तो मैं बहुत सारी यूज़ करता हूँ, स्पेशली मेरे जो आईफोन 12 में ना ऐसी ऐसी ऐप्स हैं आप मतलब आप भी हंसोगे यार मैं हर चीज़ के लिए ऐप यूज़ करता हूँ. तो वीडियो बनाना एक अच्छा आइडिया है, वैसे इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है. तो वुड यू वॉन्ट टू सी अ वीडियो जिसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को स्टफ लिस्टिंग्स, आपको बता रहा है कि यार उसके प्राइमरी डेली ड्राइवर स्मार्टफोन में कौन कौन सी ऐप्स हैं. अगर आप चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट्स में आपके पक्का से पढ़ता हूँ और आपके फीडबैक को लेकर मैं पक्का से वीडियो बनाऊंगा या फिर नहीं बनाऊंगा. अदर जी कह रहे हैं रेडमी वर्सेज रियलमी, रेडमी Note 10 सीरीज को अगर कंसीडर करें तो Redmi, Apple वर्सेस Samsung, Samsung, MIUI वर्सेस Realme UI 2.0, डेफिनेटली Realme UI 2.0, Narzo 30 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro, Micromax in Note 1 वर्सेस Poco M3, Micromax in Note 1, it was a good smartphone, YouTube वर्सेस Twitter. यार क्या करते हो यार, Twitter मेरा हमेशा से पहला प्यार था, पहला प्यार रहेगा और YouTube से भी मतलब इक्वल प्यार है. अब आप लोग हर जगह हो, जहां जहां स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी वहां वहां मैं. लैपटॉप वर्सेस टैब, लैपटॉप. डोमिनो वर्सेस स्टाइलिस्टिंग्स, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा बिकॉज मेरी मर्जी. इंडोर वर्सेस आउटडोर, आउटडोर. क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, क्रिकेट. अर्नब जी कह रहे हैं प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू रूट MIUI एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग दैट. दैट्स अ गुड आइडिया. ठीक है, इस पर ट्राई करते हैं बनाने की वीडियो. NCR मीटअप कब? यार ये तो फिर अब NCR की जितनी स्टाफ लिस्टिंग्स आर्मी है ना उनकी गलती है. मैं हर बार बोलता हूँ कि यार आगे पीछे जितने लोग हैं हम तो एक मीटअप कर सकते हैं. आप लोग मतलब हर बार संडे को एक कोई इंसान पूछेगा तो ऐसा तो ना होता है. प्लान करो, बढ़िया तरीके से मिलते हैं, चाय चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे एक किसी वीकेंड पे. सारे लोग मिलके एक बारी प्लानिंग करते हैं और डेट वगैरह डिसाइड करते हैं. अगर कोई ग्रुप वगैरह बनाना है तो वो भी बना लेंगे और मजा आएगा, एंजॉय करेंगे. सो NCR के जितने लोग हैं, इवन पंजाब जम्मू के जितने लोग हैं, आगे जितने पूरे इंडिया में जितने लोग हैं यार, एक मीटअप अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आई एम अप फॉर इट. जब भी आप चाहोगे मीटअप हो जाएगा. क्या गूगल पिक्सल पिस्कल 5A 5G सपोर्टेड डिवाइस होगा या इंडिया में फिर से 4G वेरिएंट आएगा? आएगा इंडिया में ये पता है. सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि यार BIS पे ये जो स्मार्टफोन है लिस्ट हो गया था. बट ये 4G होगा या 5G इसमें अभी मतलब नहीं पता. मैं आपको जल्दी से इसके बारे में भी पता करके बता दूंगा. विवेक राठौर जी कह रहे हैं भैया जी आप अपनी ट्रेनिंग के दिनों का कोई फनी इंसिडेंट शेयर करो. फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मैं पहले NDA में था, मैं एक्स आर्मी कैडेट. अब विवेक जी फनी इंसिडेंट की बात करें ना, तो ये जो क्वेश्चन है अभी आपको तो मतलब एडिटेड वाली वीडियो देख रही है ना, फाइनल का जो आपको मिल रहा है, रिजल्ट जो मिल रहा है, फाइनल कट मिल रहा है. इस क्वेश्चन को मैंने 7-8 बारी आंसर देने की ट्राई की और हर बार ये ना 10 मिनट की कहानी बन रही थी बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है. कई बारी मैं मतलब सोचता हूँ इसके बारे में आपको बताऊँ, बट इस वीडियो में अगर मैं इसके बारे में बात करना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो बन जाएगी 50-60 मिनट की. कभी एक मतलब जब टाइम आएगा, मौका मिलेगा, तो मेरी जो आर्मी वाली जर्नी थी ना उसको मैं अलग से एक फुल इन डेप्थ वीडियो में बताऊंगा और आपको अच्छे से बोर करूंगा. आज की वीडियो के लिए यार मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा. केतन जी कह रहे हैं हेलो मुकुल मेरे भाई, होप यू आर डूइंग वेल. आई एम डूइंग बढ़िया ब्रदर, आप कैसे हो? कैन यू टेल मी विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज टू एडिट योर यूट्यूब वीडियोज? वी यूज एडोबी प्रीमियर प्रो एंड साथ में फाइनल कट प्रो जो है ये अभी शुरू किया हमने यूज करना बिकॉज यू नो अभी नया नया लैपटॉप आया है तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अपनी एडिटिंग के लिए. अनिरुद्ध जी कह रहे हैं इट्स टाइम फॉर अ टंग ट्विस्टर, क्रिएटिव क्रिएटर्स क्रिएट क्रिएटिव कॉन्टेंट एंड दिस लाइन ऑल्सो डिफाइंस मुकुल दादा एक स्टफ लिस्टिंग्स. थैंक्स लॉट ब्रदर, थैंक्स लॉट. टंग ट्विस्टर यही था, ये तो मैंने ऐसे बोल दिया. क्रिएटिव क्रिएटर्स क्रिएट क्रिएटिव कंटेंट. ओह
इज इट अ टंग ट्विस्टर? आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अभी वीडियो को पॉज करके ये बोलने की ट्राई करो, क्रिएटिव क्रिएटर्स क्रिएट क्रिएटिव कॉन्टेंट। अगर आप ये मतलब बगैर फंबल के बोल पाए तो आप घने होशियार। सुप्रतिम जी कह रहे हैं Redmi Note 7 Pro में MIUI 12.5 कब तक आएगा सर जी? बाय द वे बिग फैन ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। और जैसे ही अपडेट आएगा मैं बता दूंगा, अभी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। Redmi Note 7 Pro जो है ये थोड़ा सा रिलेटिवली पुराना स्मार्टफोन है, डोंट माइंड मी सेइंग इट, बट या इसको मतलब आए हुए अच्छा खासा टाइम हो गया, तो मेरे को लग रहा है कि यार अभी टाइम इसको मतलब अपडेट मिलने में भी लग सकता है, बट स्टिल मैं जल्दी से आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तरुण जी कह रहे हैं मुगुल भाई ये क्वेश्चन था, जैसे कोई बंदा गिव अवे वाला फोन जीत लेता है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वारंटी का क्या सीन होता है? यार ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, मैंने भी इसके बारे में सोचा नहीं। वैसे ऑल जोक्स अपार्ट, एक अगर आप फोन जीतते हैं गिव अवे वाला तो वो भी एक स्टैंडर्ड स्मार्टफोन होता है, उसकी भी इनवॉइस वगैरह जो होती है वो होती होगी आई बिलीव, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली हम कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं, उसकी भी आपको सारी चीजें मतलब जो है वो अगर वारंटी में हुई तो सर्विसेज वगैरह जो है आप उसको अवेल कर पाएंगे। दिव्यम जी कह रहे हैं हेलो मुकुल भाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एंड योर वीडियोस, थैंक्स अलॉट फॉर दैट ब्रदर, जस्ट वॉन्टेड टू जॉइन यू एंड मेक सम ग्रेट वीडियोज विद यू, कैन यू प्रोवाइड मी विद सम रिव्यू यूनिट सो दैट आई कैन फॉलो माई पैशन? ब्रदर आई होप आई कुड, मतलब आई कैन गिव अवे एज मैनी एज आई कैन प्रैक्टिकली एंड फिजिबली, बट रिव्यू यूनिट अगर मेरे पास आई है ना उस पर जो एम्बार्गो होता है या जो भी नॉन डिस्क्लोजर हम साइन करते हैं उस पर साफ साफ लिखा होता है दिस यूनिट इज इंटेंडेड टू बी रिव्यूड बाई मी, मतलब उसको अगर रिव्यू करना है तो वो मैं ही करूँगा। मेरे चैनल पे अगर मैं एंटिटी हूँ जो आप लोगों को एक यू नो अपना ओपिनियन दे रही है तो वो ओपिनियन उस डिवाइस का वो मेरा ही होना चाहिए, तो मैं अपनी रिव्यू यूनिट किसी को दे नहीं सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर कोई भी रिव्यू यूनिट आई है मेरे पास, ये माइक्रोमैक्स का N1 पड़ा है, ये वापस जाएगी, ठीक है ना? तो रिव्यू यूनिट तो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, गिव अवेज बहुत सारे हो रहे हैं और उनमें आप पार्टिसिपेट करते रहिए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रिव्यू यूनिट से अगर चैनल बनते होते तो हमारा चैनल अभी जितना भी है ये कभी नहीं बनता, ठीक है ना? अब मैं टेक्स्ट स्टफ प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, रिव्यू यूनिट के अनबॉक्सिंग वीडियोज पे हमारे कितने व्यूज आते हैं, थिंक अबाउट इट। हमारा मेन जो USP है दैट इज टेक न्यूज, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिव्यू यूनिट नहीं मिलेगी तो आप चैनल नहीं शुरू कर सकते। मोटिवेशन इज द की, और मोटिवेटेड होकर आप कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढो, काम शुरू करो, धीरे धीरे आपको यू नो ब्रांड्स जो है वो खुद से रिव्यू यूनिट वगैरह भी बेचना शुरू कर देंगे। संजू जी कह रहे हैं सर इज इट वर्थ टू बाय iPhone 12 mini फॉर डेली पर्पस? मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, मतलब यार हम लोगों के लिए कहना आसान होता है, हमारे पास इतने फोन पड़े हैं आगे पीछे 50-60 फोन पड़े हैं, तो एक और फोन आ गया छोटा सा, हाउ क्यूट है ना, इतना सा फोन है ये, इतने बड़े बड़े फोन्स में इतना सा आ गया कॉम्पैक्ट फोन, मजा आ गया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दो दिन के बाद रियलाइज होना शुरू होता है कि नहीं यार अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यार अगर आप मेरी मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन लोगे, बिकॉज मैं यार हमेशा देसी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि नहीं आईफोन 12 मिनी जो है ये थोड़ा सा मेरे को तो ज्यादा ही छोटा लगा। टेक वर्टेक्स जी कह रहे हैं टिप्स फॉर न्यू टेक न्यूज प्रोवाइडर यूट्यूबर्स। पहली टिप, टेक न्यूज जो है ये बहुत मुश्किल है मतलब ग्रो करने के हिसाब से। अब मैं आपको पता है 99% जो मेरा टेक न्यूज का कंटेंट होता है वो मेरा होता है, मतलब मैं लीक्स लेके आता हूँ, स्टिल हमें अच्छा खासा टाइम लग गया, अभी भी 100K जो है उसका हम वेट कर रहे हैं, ठीक है? ऑलरेडी देर आर बिग क्रिएटर्स आउट देयर इन द टेक न्यूज इंडस्ट्री जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके चैनल्स बहुत ऊपर है, मिलियंस में है। तो पहली चीज ये है कि अगर आपने टेक न्यूज चैनल शुरू करना है तो आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपको ग्रो करने में टाइम लगेगा, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप एक टेक न्यूज चैनल शुरू कर रहे हो तो यार ट्राई करो ऑथेंटिक न्यूज देने की। थर्ड थिंग, अगर आप एक टेक न्यूज चैनल बना रहे हो और टेक न्यूज प्रोवाइड कर रहे हो अपने ऑडियंस को, ट्राई करो कि यार जो भी एक्चुअल लिंक है उसको आप डिस्क्रिप्शन में लगा दो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट स्टिल अगर आप मेरे से टिप्स मांग रहे हो तो ये मैं बोलना चाहूंगा आपको, इससे जो सोर्स है ना उसको भी कुछ फायदा होता है, ये मैं मानता हूँ। और इसके अलावा यार मतलब अगर आप एक टेक न्यूज चैनल चलाना चाहते हो तो यार रेलिवेंट न्यूज होनी चाहिए, और या दैट्स प्रीटी मच इट। मोटिवेशन चाहिए, अच्छा ऑनेस्ट काम करो, लोगों को जिसने अगर कोई मतलब लीक किया है या कुछ भी है उसको क्रेडिट दो, और क्रेडिट देना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि यार आप उसकी तारीफ कर रहे हो, ठीक है ना? आज मैं 64K स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी हमारी हुई है यूट्यूब पे, मैं अगर एक 3 मिलियन वाला कोई चैनल है उनको क्रेडिट दे रहा हूँ तो मैंने क्या फेवर कर दिया यार उनको, ठीक है ना? थिंक अबाउट इट, मैंने ऐसा क्या उनको ट्रैफिक दे दी क्या यार या मिठाई भेज दी? नहीं,
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका विजिटर है, आपका व्यूअर है ना, उसको अगर उस इंफॉर्मेशन को और ब्रॉड तरीके से पढ़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, उसको क्लिक करेगा और जाके वो चीज देख लेगा। ये सोर्स देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका काम था, मेहनत उनकी है, तो यार क्रेडिट दे दो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे हिसाब से व्यूअर की हेल्प हो जाती है। सो यस, इन चीजों का ध्यान रखो। टेक न्यूज अगर आप चैनल बनाना चाहते हो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं ट्राई करूंगा कि यार आपको जितनी हेल्प कर सके मैं करूंगा। लास्ट क्वेश्चन भी किया है मैंने सोम्यदीप जी का, वो कह रहे हैं आप जब घर में अकेले रहती हो तो खाना कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ, वैसे मेड आती हैं, बट यार खाना मेरे को बहुत अच्छा बनाना आता है यार, मैं हर चीज बना लेता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं खुद ही बनाता हूँ। आजकल तो वैसे मेरी कीटो डाइट चल रही है तो मेरे को अपना खाना खुद से ही बनाना पड़ता है। और अगर आप बनाते हो तो आपको क्या क्या बनाना आता है? नॉन वेज जितना मतलब सामान है वो है, बटर मसाला डोसा, चिकन पराठा, सब कुछ बना लेता हूँ मैं। आप खाने वाले बनो, आओ कभी घर पे, हवेली पे, आपको जो खाने की मतलब इच्छा हो रही है, जो खाने का शौक है, आपको मेरी तरफ से वो चीज़ मिल जाएगी। सो गाइस, ये था इस हफ्ते का संडे स्टाफ। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की भी मैंने ट्राई की है। मिलते हैं कल सुबह टेक स्टाफ के एक और एपिसोड में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, संडे को एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पीस। जय हिंद।